धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अमर शहीद लाला जगत नारायण की 41वीं पुण्यतिथि के मौके पर समाज सेवा के कई कार्य किए गए, जिसके तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया। कुरुक्षेत्र की नंगली कुटिया में आयोजित समारोह में शहर के गणमान्य लोग पहुंचे, जिन्होंने शहीद अमर लाला जगत नारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पत्रकारिता के पुरोधा स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर गीता मनीषी स्वामी, सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, बीजेपी नेता और पूर्व सांसद कैलाशो सैनी समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अमर शहीद लाला जगत नारायण की 41वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की तरह सामाजिक सेवा के माध्यम से मनाया जा रहा है, खासतौर से ब्लड डोनेशन कैंप और लोगों के स्वास्थ्य की जांच। इस मौके पर पूर्व सांसद भाजपा नेत्री कलासो प्रोफेसर कलासो सैनी पहुंची, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे लाला जगत नारायण को, कैसे याद करेंगे? लाला जगत नारायण जी पत्रकारिता के एक महान स्तंभ थे। उन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को और राष्ट्र की मर्यादा को जीवित रखने के लिए युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन करके उन्होंने और निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करके नए आयाम कायम करे, वो वास्तव में आज उनका आचरण काबिले तारीफ रहा है। और हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि को आयोजित कर हम भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं, ताकि भावी पीढ़ी भी राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर, अपने पेशे के प्रोफेशन के प्रति समर्पित होकर, सच्चाई और ईमानदारी से निष्पक्ष और निडर होकर के कार्य कर सके। तो आज़ादी की लड़ाई में भी उनका योगदान रहा? हाँ, उनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत, उनके उत्प्रेरक प्रसंगों ने शहीदों के, जो कि हमारे आज़ादी के परवाने थे, उनकी रगों में रक्त में उबाल ला दिया था, एक क्रांति ला दी थी। स्वयं भी 6.5 वर्ष तक उन्होंने जेलों की यातनाएं बर्दाश्त करी, पर डरे नहीं, झुके नहीं। पत्रकारिता के तौर पर कैसे अब याद करेंगे? पत्रकारिता में, पत्रकारिता की तो एक जान थे, यदि उनको कहें कि पत्रकारिता एक शरीर है तो वो दिल थे। रक्तदान शिविर और मुफ्त जांच कैंप में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर हिस्सा लिया और इस आयोजन की जमकर तारीफ की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार अमित आर्य और समाज सेवी संदीप गर्ग ने इस तरह के आयोजन करने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप की सराहना की। बलिदान को अगली पीढ़ी जाने, लाला जी के पूरे परिवार ने किस तरीके से देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन का बलिदान किया, और जो समाज अपने महापुरुषों का, अपने शहीदों को याद करता है, इसका मतलब वो जीवट है, जीवित है और सक्षम है। तो इस तरीके के कार्यक्रम करके, पत्रकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकारिता ही करते हैं, तो किशन दमीजा जी से लेके, पंजाब केसरी परिवार से लेके, कुरुक्षेत्र के तमाम सब साथी जो हमारे पत्रकार साथी हैं, और भी समाज सेवी संस्थाएं जो कि इस तरीके के शहीदों को, इस तरीके के महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनको हर साल याद करना। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं करता, समाज से जुड़े हुए अन्य कार्य भी, जिसको हम सामाजिक कार्य कहते हैं, जो सही मायने में समाज को जागृत करते हैं, समाज को, जिसको कहते हैं कि सुदृढ़ करते हैं, सक्षम बनाते हैं। अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की आज 41वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में पंजाब के श्री समूह ने, यहाँ के चीफ ब्यूरो कृष्ण दमीजा जी ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लाला जी स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और उसके बाद एक पत्रकारिता में जो उनका योगदान रहा, जिस ऊंचाइयों पे वो इसको लेके गए, वो वाकई ही काबिले तारीफ़ है। और उनका जो योगदान रहा परिवार का, उसके बाद रमेश जी भी शहीद हुए, परंतु ये परिवार कहीं भी डगमगाया नहीं, और उसी तरीके से लाला जी के जो पदचिन्ह थे उनके ऊपर चलते हुए आज भी सभी वो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए राशन भेजना, और बहुत सी योजनाएं जो चल रही हैं, एक इलाके का चेक भी देते हैं कोई शहीद जो हो जाता है उसके घर परिवार को। तो हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है एक बार मिलता है, और इस जीवन को हम व्यर्थ न जाने दें। जो लाला जी के कार्य थे उनसे हम सीखते हुए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करें कि ताकि आप लोगों को भी, हम लोगों को भी याद किया जा सके।
इस मौके पर समाज सेवी संदीप गर्ग और अनिल गुप्ता के अलावा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सौरभ चौधरी, कांग्रेस नेता पवन गर्ग, लक्ष्मीकांत शर्मा और ब्लॉक समिति थानेसर के चेयरमैन देवी दयाल घराड़सी भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।